वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल कि आप कौन सी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन है वो यूज़ कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। पांच ऐसी बातों के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको जो आपके फ़ोन की बैटरी को बर्बाद कर सकती है, आपके फ़ोन को ब्लास्ट कर सकती है, आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसको डाउन कर सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के। जो एक नंबर गलती है वो सारे लोग है वो करते हैं, सभी फ़ोन अपना फ़ोन है वो कवर में रखते हैं और कवर में रखते हुए ही अपना फ़ोन है वो चार्जिंग पर लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका फ़ोन है वो हीटअप होता है, आपके फ़ोन की बैटरी हीटअप होती है, आपके फ़ोन हीटअप होता है, जिस कारण आपकी परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है और स्लो होने के कारण आपकी बैटरी वो है हीटअप होगी और जितनी आपकी बैटरी हीटअप होगी उतने चांस होंगे कि आपका फ़ोन है वो ब्लास्ट हो जाए। तो इसलिए जितना हो सके फ़ोन को चार्ज लगाते टाइम कवर से निकालें। जिस तरीके से पहली गलती थी वैसे ही दूसरी गलती है जो सभी लोग करते हैं, तो अपना फ़ोन है वो डायरेक्ट है वो चार्जिंग पर लगा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप फ़ोन को चार्जिंग लगाएं तो उस टाइम अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे या एरोप्लेन मोड पर कर दें। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन है वो बिना किसी नेटवर्क को सर्च किए डायरेक्ट है वो फ़ोन को चार्जिंग करने की ओर ध्यान देगा। जिस तरीके से अपना माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है उसी तरह इसका भी वो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। इसका प्रोसेसर है वो एक ओर तो सिग्नल सर्च करने में लगा होता है और दूसरी ओर है वो चार्ज होता है। जब भी फ़ोन को चार्ज लगाएं एरोप्लेन मोड पर कीजिए, इससे फ़ोन की बैटरी भी जल्दी चार्ज होगी। जो तीसरी गलती आती है वो काफ़ी खास है, वो लगभग हर लोग कर भी लेते हैं और कुछ लोग ध्यान भी रखते हैं। तो ये है कि हम आगे आने वाला चार्जर है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कई फ़ोन है वो फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है और हम उसमें 5 वाट का वो है चार्जिंग है ठोक देते हैं, तो उससे ये गलत है। अगर आपके पास चार्जर ख़राब है तो आप नया ले लीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके इसका ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ कीजिए। अब जैसे मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S50 है तो ये 18 वाट का चार्जर है वो सपोर्ट करता है। अगर मैं इसमें 5 वाट का चार्जर लगाऊंगा तो बैटरी है वो ख़राब होगी और इसके ब्लास्ट होने का ख़तरा भी बढ़ेगा। और जहाँ तक हो सके इसका ओरिजिनल चार्जर है वो यूज़ कीजिए। जो चौथी गलती आती है वो न सिर्फ एंड्रॉयड बल्कि जो बार फोन यूज़ करने वाले हैं, जो सिंपल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो भी ये गलती करते हैं। तो क्या करते हैं कि फ़ोन को चार्जिंग लगा के छोड़ देते हैं, तब तक नहीं हटाते जब तक वो 100% चार्ज ना हो जाए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि 100% चार्ज होने के बावजूद भी लगे रहने देते हैं ताकि थोड़ा बहुत और चार्ज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी वो जल्दी ख़राब होती है। तो जहाँ तक हो सके फ़ोन को 95% से अब चार्ज कीजिए मत और 100% तो कभी भी मत कीजिए। तो जहाँ तक हो सके इस मामले से बचिए आप। और जो चौथी गलती आती है वो काफ़ी खास है, क्योंकि ये वो लोग करते हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, वो अपने फ़ोन को है वो डायरेक्ट USB के थ्रू है वो कनेक्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप या PC से लगाकर। तो इससे क्या होता है कि बैटरी वो चार्ज तो होती है लेकिन जितना आउटपुट अपने फ़ोन को चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिस कारण बैटरी है वो ब्लास्ट होने का भी खतरा होता है और बैटरी की परफॉर्मेंस भी है वो डाउन हो जाती है। और बैटरी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो स्पीड होती है अपने फ़ोन की वो भी डाउन हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके इससे बचिए और ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, कभी अपने फ़ोन को कंप्यूटर या लैपटॉप से चार्ज मत कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो गलतियाँ मैंने बताई है उन गलतियों को करने से बचें, आपकी बैटरी और परफॉर्मेंस है वो दोनों अच्छी होगी, आपका फ़ोन लंबे समय तक चलेगा। अगर आप ये गलतियाँ दोहराते रहेंगे तो आपकी फ़ोन की बैटरी है वो 6 से 8 महीने के बीच में ख़राब भी हो सकती है और इसकी परफॉर्मेंस है वो डाउन भी हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके ऐसा करने से बचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।